अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। आज हम लोग करने वाले हैं लेसन नंबर 40, सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर। कि अब ये सबसे ये जो लेसन है ना, ये 7 टॉपिक्स हैं इसके, यही सब्सटेंस रिलेटेड। ये 5 तो ये हो गया, बाकी 39, 40 से लेके 45 तक हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसके ऊपर ज़रा अच्छे से फोकस करिएगा, और ये कहीं से भी एमसीक्यू ज़रूर आएंगे। और लास्ट के जो 15 होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं लेक्चर्स फाइनल के लिए। कि ये अब जो चले टॉपिक की तरफ आते हैं, सब्सटेंस इंड्यूस डिसऑर्डर वही होते हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस से इंटॉक्सिकेशन की वजह से हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, बिहेवियर में प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर हो जाता है या साइकोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं किसी भी सब्सटेंस को लेने से, उसकी इंटॉक्सिकेशन की वजह से। और ये हमारे CNS पर जो है ना इफ़ेक्ट डालता है, और ये डेवलप ड्यूरिंग और शॉर्टली, और ये फौरन जब आप कोई दवा कोई अल्कोहल लेते हैं तो फौरन, एग्जांपल के तौर पे अल्कोहल लेते हैं तो फौरन ही जो है ना वो उसका रिएक्शन आ जाता है। इंटॉक्सिकेशन, विथड्रॉल, साइकोटिक डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एनजाइटी डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर, डिलीरियम, न्यूरोकॉग्निटिव, सेक्सुअल डिसफंक्शन, ये सब्सटेंस जब भी सब्सटेंस लेते हैं ये उसकी वजह से इन आ जाते हैं। इंटॉक्सिकेशन क्या है? इरिवर्सिबल सब्सटेंस स्पेसिफिक सिंड्रोम है ड्यू टू द रीसेंट इंजेशन ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस को जब लेते हैं तो इंटॉक्सिकेशन हो जाती है, साइकोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं हमारे CNS पे, जो कि CNS पे अफेक्ट करते हैं आफ्टर द इंजेशन। जब भी कोई भी दवाई कोई भी सब्सटेंस लेते हैं तो CNS पर डायरेक्ट अफेक्ट होता है, बिहेवियर चेंजेस आते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो ये जो है हमें किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं होता, बल्कि ये कोई सब्सटेंस लिया होता है तो उसकी वजह से होता है। और ये तंबाकू पर जो कोई मतलब कि सिगरेट पी जाए तो उस पर अप्लाई नहीं होता। इंटॉक्सिकेशन ही कंटिन्यूड है। क्लिनिकल पिक्चर ऑफ इंटॉक्सिकेशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स आ रही हैं? विड्रॉल क्या है? विड्रॉल बिहेवियर चेंजेस आते हैं जब भी कोई भी सब्सटेंस को लेना छोड़ दें या उसकी कोशिश करें छोड़ने की, तो बिहेवियर चेंजेस आते हैं। इट इंक्लूड फिजियोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट्स। विड्रॉल कॉजेज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस इन सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। विल नॉट बी कंसीडर्ड विदड्रॉल इफ द सिम्टम्स आर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन और मेंटल डिसऑर्डर। तो जब कोई मेंटल डिसऑर्डर हो या कोई, तो वो विदड्रॉल नहीं कहलाएगा, बल्कि जब सब्सटेंस को लेना छोड़ देंगे तभी वो विदड्रॉल कहलाएगा। और ये आपके फिजियोलॉजिकल कॉग्निटिव कंपोनेंट्स को इंक्लूड करता है, उसमें भी असर डालता है, और जो सोशल, ऑक्यूपेशनल और कोई भी अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज होती है ज़िंदगी के, उसमें डिस्ट्रेस पैदा करता है। सब्सटेंस इंड्यूस मेंटल डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा स्वेयर होते हैं, टेम्प्रेरी होते हैं, लेकिन क्या होता है, समटाइम्स परसिस्टिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिंड्रोम दैट डेवलप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द किसी भी सब्सटेंस के अब्यूज है या मेडिकेशन या किसी भी टॉक्सिन की वजह से CNS पर जो के परसिस्टेंस सिंड्रोम्स होते हैं। ये डिस्टिंग्विशन को किया जा सकता है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर से, सब्सटेंस इंड्यूस डिसऑर्डर को सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर से डिस्टिंग्विश किया जाता है। इन विच अ क्लस्टर ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर एंड फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स कंट्रीब्यूट टू द कंटिन्यूड यूज ऑफ अ सब्सटेंस डिस्पाइट सिग्निफिकेंट सब्सटेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये इनको इंड्यूस किया जाता है बाई डिफरेंट क्लास ऑफ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स। इनको इंड्यूस किया जाता है जो कि फिर डिसऑर्डर्स लाते हैं, जिसे डिसऑर्डर्स आते हैं जिससे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकोगनाइज दीज कॉमन फीचर्स। कौन कौन से कॉमन फीचर्स हैं वो देख लेते हैं हम लोग, जो कि इन डिसऑर्डर को डिटेक्शन करने में मदद देते हैं। वो फीचर्स कौन कौन से हैं? मेंटल डिसऑर्डर होता है, सिम्टोमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ रेलेवेंट मेंटल डिसऑर्डर। फिर हिस्ट्री से पता चलता है, उसकी पास्ट एग्जामिनेशन उसको करें या लेबॉरेटरी फाइंडिंग में पता चलता है कि ये जब भी उसने डिसऑर्डर है किसी भी एक महीना हो चुका है या एक महीने के अंदर उसने दवाई कोई सब्सटेंस लिया है, उसको विड्रॉल किया है या लेना शुरू किया है, तो फिर उसको ये सब्सटेंस इंड्यूस मेडिकेशन होती है। द इन्वॉल्व सब्सटेंस मेडिकेशन इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द मेंटल डिसऑर्डर। तो ये मेंटल डिसऑर्डर, इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है सब्सटेंस के अंदर कि वो मेंटल डिसऑर्डर
उसने प्रोड्यूस किया होता है बंदे के अंदर। किसी और मेंटल डिसऑर्डर से एक्सप्लेन नहीं किया जाता। एंड वंस दैट वन दैट इज़ नॉट सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस, वो इस खास तौर पे वो जो कि सब्सटेंस या मेडिकेशन इंड्यूस की वजह से नहीं है। कौन से कोई भी अब फॉलोइंग जो कि मेंटल डिसऑर्डर के कोई क्या क्या है इसमें के जो मेडिकेशन है या उसने लेना शुरू की हो, उसके आगाज़ में हो, उसको डिसऑर्डर शुरू हो या विदड्रॉल, या उसने छोड़ दिया हो, या किसी भी नए मेडिकेशन को उसने शुरू किया हो या उसने छोड़ने की कोशिश की हो, विदड्रॉल किया हो। की जो क्राइटेरिया है सब्सटेंस इंड्यूस मेडिकेशन पे नहीं अप्लाई, सब्सटेंस इंड्यूस न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स पे नहीं अप्लाई होता, या हेलोसिनोजिन प्रेजिस्टिंग परसेप्शन डिसऑर्डर पे अप्लाई नहीं होता। ये जो है ना डिलीरियम के कोर्स में नहीं होता अप्लाई, डज नॉट अकर। और ये क्लिनिकली जाहिर बात है डिस्ट्रेस पैदा करता है सोशल लाइफ में, ऑक्यूपेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, ज़िंदगी के और एरियाज़ में जो है ना डिसऑर्डर जो है ना डिस्ट्रेस पैदा करता है। न्यूरो अडेप्टेशन क्या है? इट रेफर्स टू द अंडरलाइंग CNS चेंजेस दैट अकर फॉलोइंग रिपीटेड यूज सच दैट द पर्सन डिवेलप्स टॉलरेंस और विदड्रॉल सिम्टम्स। ये रिपीटेड जब इंसान वो यूज़ करता है तो टॉलरेंस उसके अंदर आती है। टॉलरेंस हमने पढ़ा था टॉलरेंस क्या होती है, आगे जाके ये टॉलरेंस की डेफिनेशन भी आ रही है कि जब एक मेडिकेट कोई भी एक चीज़ लेता है, अल्कोहल लेता है, तो पहले एक एक पैक लेता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी खुराक होती है किसी भी चीज़ की, उसकी जो डोज होती है वो बढ़ा लेता है, इतना बढ़ा लेता है कि उसके ऊपर उसकी लाइफ जो है ना डिपेंडेंट हो जाती है। विड्रॉल आगे पढ़ेंगे। अच्छा आगे आ रहा है DSM-5 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर सब्सटेंस रिलेटेड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स। कौन कौन से कॉमन क्राइटेरिया हैं, डिसऑर्डर्स हैं जो कि कौन कौन से, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, कैनबीज यूज डिसऑर्डर, फेंसिलाइडाइन एंजल डस्ट यूज डिसऑर्डर, अदर हेलोसिनोजन यूज डिसऑर्डर, इनहेरेंट यूज डिसऑर्डर जो कि स्प्रे पेंट वगैरह से आया था, ओपियोड यूज डिसऑर्डर, सिडेटिव, हाइपनोटिक और एंजियोलाइटिक यूज डिसऑर्डर। तो ये जो डिसऑर्डर हैं ये हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? प्रॉब्लमेटिक पैटर्न होते हैं उसके बिहेवियर में, उसके जो कि फिर डिस्ट्रेस पैदा करता है उसकी सोशल लाइफ में। और ये जो 12 महीने के अंदर हम लोग देखें कम से कम दो जो है ना वो क्राइटेरियाज हों तो फिर हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं इन डिसऑर्डर के लिए, कि वो जो है ना कोई भी सब्सटेंस ले रहा है वो और जो ना उसकी जो खुराक बढ़ाता जा रहा है विद द पीरियड ऑफ टाइम उसकी खुराक ही बढ़ाता जा रहा है, और उसकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है कि वो खुराक ले, या उसको छोड़ने की भी डिज़ायर करता है लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं पाता, विड्रॉल करने की करता है लेकिन वो नहीं छोड़ पाता, और जो उसका पूरा दिन होता है इसी काम में सब्सटेंस लेने में, सब्सटेंस को अगर सब्सटेंस ले लेता है तो उसके बाद उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि पूरा दिन उसी में पड़ा रहता है, उस तरह अल्कोहल नहीं होती तो पूरा दिन उसी तरह पड़ा रहता है, उसको उसी में रह जाता है उसका पूरा दिन। अ ग्रेट डील ऑफ टाइम स्पेंड, अच्छा ये तो हो गया। क्रेविंग उसको इतनी बहुत ज़्यादा सब्सटेंस की क्रेविंग होती जाती है, और इतनी क्रेविंग होती है कि जो उसके मेजर दिन में और काम होते हैं ना वो छोड़ देता है, जब वो उन फॉर एग्जांपल अगर अल्कोहल ली है या हीरोइन ली है तो वो इस तरह पड़ जाता है पूरे पूरा दिन, उसकी तबीयत ख़राब रहती है कि उसकी जो ज़िंदगी के डेली लाइफ के काम होते हैं, स्कूल जाना है या कोई और ऑफिस जाना है, तो वो नहीं सही से कर पाता, और फिर उसकी सोशल लाइफ में, इंटरपर्सनल लाइफ में और ज़िंदगी के और एरियाज़ में जो है ना प्रॉब्लम्स पैदा करता है। उसकी जो बाकी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, उसको पता होता है कि फ़िज़िकली जो है ना उसके लिए फिज़िकली हैज़र्डियस है, बीमार डेंजरस है, उसको ये भी पता होता है, फिर भी वो जो है ना वो यूज़ करता है उसको, फिर भी वो ड्रग्स लेता है, उसके अंदर टॉलरेंस देखी जाती है, विदड्रॉल देखी जाती है। फिर आगे सिमिलर क्राइटेरिया, अच्छा फॉर इंटॉक्सिकेशन ऑफ एल्कोहल, कैनबीज, इन सब के लिए भी ये सिमिलर क्राइटेरिया है। फिर एक और पार्ट भी क्राइटेरिया भी आ रहा है, ये जो जो भी सिम्टम्स हैं, साइंस हैं किसी मेंटल कंडीशन से तो नहीं एट्रीब्यूटेबल, और किसी और मेंटल डिसऑर्डर से तो नहीं एक्सप्लेन किए जाते, या कोई और सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन नहीं तो नहीं हुई हुई, विड्रॉल की देखे, विड्रॉल ऑफ अल्कोहल, ओपियोड, सेडेटिव, हाइपनोटिक और एंजियोलाइटिक स्टिमुलेंट एंड टबैको।
जो भी साइंस या सिम्टम्स हैं, ये डिस्ट्रेस पैदा करता है सोशल लाइफ में, ऑक्यूपेशनल लाइफ में और ज़िंदगी के और भी एरियाज में, और ये किसी भी मेडिकल कंडीशन से तो नहीं मुंसलिक और कोई मेंटल डिसऑर्डर से तो नहीं मुंसलिक, इंक्लूडिंग इंटॉक्सिकेशन और विदड्रॉल फ्रॉम अनदर सब्सटेंस, या उसने कोई दवाई तो नहीं, कोई सब्सटेंस फ़िलहाल जिंदगी रिसेंटली तो नहीं छोड़ा। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।